नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत चुनावों का देश है। आपको ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, बचपन से यही पढ़ा है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज अगर मैं कह रहा हूं भारत चुनाव प्रधान देश है, तो उसमें भी गलत नहीं है, क्योंकि भारत में हर 6 महीने में, हर साल में कहीं ना कहीं चुनाव जो है 2-4 राज्यों में, और कभी विधानसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कुछ ना कुछ चुनाव जो है हर साल चलते रहते हैं। अब देखिए ना, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो उसके नतीजे आने के बाद अभी सरकार सेटल हो रही है और चुनाव नतीजों को लेकर अभी चर्चा ही चल रही है, लेकिन सुगबुगाहट अब विधानसभा चुनावों की शुरू हो गई है। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भी मामला गरमाया हुआ है। कल देवेंद्र फडणवीस ने वहां ऐलान किया है कि वो जितनी विधानसभा हैं महाराष्ट्र की, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो एक यात्रा निकालेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से बयान दिए, वो बयान उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिए, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सियासत जो है, आप तो धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य होकर इस तरह की सियासत क्यों कर रहे हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम बात आज हरियाणा की करेंगे। हरियाणा इसलिए क्योंकि हरियाणा एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वहाँ 10 साल से शासन में है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा फेरबदल किया गया था और मुख्यमंत्री वहां बदल दिए गए थे। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें लगभग बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, उनको केंद्र में अब मंत्री बना दिया है, और बीजेपी ने एक नया प्रयोग करते हुए नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा पहुंचे थे और हरियाणा में उन्होंने ओबीसी सम्मेलन में शिरकत करी। और इस सम्मेलन में उन्होंने एक तरफ कांग्रेस पर जमकर हमले किए, जमकर वार किए, दूसरी तरफ उन्होंने 3 बड़े ऐलान किए, और ये 3 बड़े ऐलान जो हैं वो हरियाणा के में आरक्षण से जुड़े हुए हैं, पिछड़ों के आरक्षण से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव आरक्षण बनाम ओबीसी पिछड़ा वर्ग का जिस तरह से जातिगत बंटवारा हुआ था, जातियों को जिस तरह से बांटने की कोशिश हुई थी, उसके बाद बीजेपी को इस बात की चिंता है कि हरियाणा में अगर सत्ता में बने रहना है तो फिर ओबीसी और पिछड़ों को पूरी ताकत से अपने साथ रखना होगा। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने एक तरफ 3 अहम ऐलान किए जो ओबीसी के पक्ष में थे, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी पार्टी है, ये उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया। और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के 10 साल का कच्चा चिट्ठा भी रखा। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी खम ठोक रहे हैं, और उन्होंने भी बाकायदा इस बात को लेकर के कहा कि बीजेपी का 10 साल का शासन जो है वो पूरी तरह से विफलता के नाम रहा है और बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछड़ गया है, हरियाणा पीछे गया है कांग्रेस के शासन में, बीजेपी के शासन में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो इसी का पलटवार करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस से कांग्रेस का हिसाब मांगा। दो टूक में आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा भले ही एक छोटा राज्य लगता है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं से सटा हुआ है, इम्पॉर्टेंट राज्य है। इसके साथ ये भी बता दूँ कि हरियाणा की कुछ सीमाएँ जो दिल्ली से लगती हैं, उनको किसान आंदोलन के चलते बंद किया गया था। वो मामला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार उन बॉर्डर्स को खोले और चुनाव से पहले कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इस तैयारी में था कि हरियाणा चुनाव जो होंगे उसमें किसान आंदोलन को एक बार फिर से गर्माया जाए, ताकि बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सके। लेकिन हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा अभी देखते हैं, इस पर सुनवाई होनी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हरियाणा में इस समय गरमाई हुई हैं।
दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया पलटवार बीजेपी पर, तो शाह ने कैसा खेला दांव, जरा सुनिए। सारा हिसाब लेंगे उनसे, कौन से दिल्ली वो संस्था लेके आए। 10 साल में इन्होंने एक पोल तो मेट्रो का नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करी, 1 कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन्होंने बनते ही ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, कौन से मेडिकल कॉलेज बनाए भाई इन्होंने। तो ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, यही लोगों तक पहुंचानी है। बुढ़ा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के डीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए, आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे, बीसी के हक की हम संरक्षण करेंगे। तो दरअसल इस हरियाणा के अपने दौरे में अमित शाह ने एक बात दोबारा से दोहराई जो बार बार लोकसभा चुनाव में भी दोहराई गई थी, जो आपने सुना भी। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जिस तरह से कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे दिया गया, ठीक वैसे ही कांग्रेस हरियाणा में भी करेगी। ये इसलिए उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर आरक्षण को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाना, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया। और पूरा कुल मिलाकर देखें तो अमित शाह ने पूरी ये जो उनका आज का जो दौरा था वो कुल मिलाकर ओबीसी, पिछड़ा और आरक्षण के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। सुनिए एक बार फिर अमित शाह ने आरक्षण को लेकर, ओबीसी और पिछड़े वोटों को लेकर क्या कुछ कहा। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 1957 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, 90 में जब लाया गया राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फासला भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। तो इस तरह से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों हरियाणा में एक अभियान चला रही है। वो अभियान है कि जनता मांगे हिसाब, और उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, हिसाब तो आपको देना है, किस तरह से आपने
दस साल तक जब किस तरह से जब आपकी सरकार थी तो आपने हरियाणा का क्या हशर किया था, उस सब को लेकर के उन्होंने हुड्डा से हिसाब मांगा और आरक्षण का बड़ा दांव भी खेला। इसी सब पर आज चर्चा होगी और आज की डिबेट, आज की चर्चा में जो है जिस तरह से अमित शाह ने और हुड्डा एक दूसरे को ताल ठोक ले एक दूसरे के खिलाफ, उस पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल दो मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, जल्दी मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं दुष्यंत नागर जी और राहुल गांधी के समर्थक हैं और मेरे साथ जो है नरेश वत्स भी हैं, नरेश वत्स हरियाणा के हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत जल्द मेरे साथ बीजेपी से और जेजेपी के दो प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में दुष्यंत नागर जी आपसे कर रहा हूँ। दुष्यंत नागर जी, एक बार फिर बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि भाई जिस तरह से कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण ले लिया गया और पिछड़ों का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे दिया गया, ठीक उसी तरह से एक बार फिर इसी थ्योरी पर हरियाणा में भी कांग्रेस का ये करने की प्लानिंग है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की भी कुछ जातियाँ, कुछ शाखाएं हैं जिनको शामिल किया हुआ है और वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में मिल रहा है। और बल्कि मैं बताना चाहता हूँ 1991 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भाजपा समर्थित सरकार थी तब भी जम्मू कश्मीर में एक जाति विशेष को एसटी में शामिल किया गया, आरक्षण दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी के आरक्षण में से किसी के साथ शेयर ना किया जाए या पूरा मूल आरक्षण जो हिंदू धर्मावलंबी हैं अथवा गैर मुस्लिम जो धर्मावलंबी हैं उनके पिछड़ी जाति के लोगों को मिले, मतलब वो वर्ग के आधार पर ना हो, जाति के आधार पर होना चाहिए, तो ये भाजपा को इस पे कानून बनाना पड़ेगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। और वो अधिकार अमित शाह जी को है, मोदी जी के पास बहुमत है, वो संसद के द्वारा कानून पारित करके ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था चली आ रही है उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि कुछ मुस्लिम जातियों को अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ को मिल रहा है, गुजरात में भी मिल रहा है, हरियाणा में भी मिल रहा है, कर्नाटक में भी मिल रहा है। लेकिन कर्नाटक का मॉडल तो कुछ और है। कर्नाटक का मॉडल ये ठीक है, ये कई जगह पिछड़ी जाती है, कर्नाटक का मॉडल तो कुछ और है। उसी तरह से मैं देख रहा हूँ बंगाल में भी एक नया तरह का मॉडल बन रहा है। बंगाल में भी जब लिस्ट आती है किसी भी नौकरी के लिए तो वहां पर जो है जो लिस्ट आती है उसमें तमाम जो है मुस्लिम होते हैं जो आरक्षण कोटे से आए होते हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं पिछड़ों का। वो ठीक है कि कुछ जातियां पिछड़ी अगर हैं उनको लिस्ट में कहीं शामिल किया गया वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन बाकायदा पिछड़ों का हक छीन करके अब कर्नाटक में यही हुआ, कर्नाटक में कह रहे हैं कि कुछ पिछड़ों का ले लिया गया और वो मुस्लिम्स को दे दिया गया। देखिए, इसको रोका कैसे जा सकता है, ये तो तभी केंद्रीय कानून बनाना पड़ेगा और वो पूरे सभी राज्यों में पूरे देश में लागू हो। और बिल्कुल अगर ऐसा भाजपा करती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, आपको उसका बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा अगर भाजपा ऐसा कानून बनाती है। नहीं, आप स्वागत करेंगे लेकिन मैं स्वागत करूंगा, मुझे नहीं लगता कांग्रेस इसका सपोर्ट करेगी। जब देखिए जब सदन में आएगा तो वो तो फिर क्लियर हो जाएगा कौन पार्टी है जो ओबीसी पिछड़ी जाति के जो हिंदू धर्म में आने वाली जातियां हैं जिनकी एक लंबी फेरहिस्त है और जिनको आज भी संविधान सम्मत 27% जो आरक्षण है वो पूरा कई राज्यों में नहीं मिल रहा है, कहीं 21 मिल रहा है, कहीं 14 मिल रहा है, कहीं 23 मिल रहा है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखिए ओबीसी 50% से प्लस है पूरे देश में, और अगर आप उनकी भागीदारी देखें व्यापार में, सरकारी क्षेत्र में, तो वो अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो पिछड़ी जातियों को न्याय मिलना चाहिए, अगर भाजपा न्याय देने का काम करती है तो स्वागत योग्य कदम। चलिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं इस पर जरूर उनका रुख पूछूंगा कि उनकी क्या तैयारी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि पूरा विपक्ष जो है, विपक्ष जिस तरह की राजनीति अभी है उसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इसमें साथ खड़ा होगा, लेकिन ठीक है। मेरे साथ इस बीच प्रतीक सोम भी जुड़ चुके हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपके पास आऊँ प्रतीक सोम जी, उससे पहले नरेश वत्स, ये जो आज जो ऐलान किए हैं ये ऐसा लगता है कि हरियाणा का अगला चुनाव, क्योंकि हरियाणा के बारे में तो शुरू से हम ये सुनते थे जाट राजनीति, लेकिन ऐसा लगता है कि हरियाणा का अगला चुनाव जो है अब वो ओबीसी और पिछड़ों पर खेलने का दाव बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने कि जो
केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने आज एक जो एजेंडा है हरियाणा विधानसभा का उसको सेट कर दिया है, और जिस तरह से मुख्य घोषणाएं की हैं कि जो क्रिमी लेयर है जो केंद्र सरकार दे रही थी वो हरियाणा में भी लागू उसको कर दिया गया है, 8 लाख की जो सीमा है उसको 6 से 8 कर दिया गया है, और जो ग्रुप बी में भी जो आरक्षण की बात कही है कि 5% भी उनको आरक्षण मिलेगा पंचायतों में और नगर निकायों में। और इससे पहले जो सबसे बड़ी बात ये देखना है कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा सोमवार को एक अभियान शुरू किया कि बीजेपी सरकार जो है वो हिसाब दे के उसके 10 सालों का, आज गृह मंत्री जी ने उस पर पूरे मामले पर हुड्डा जी से जो है वो हिसाब मांगा है, तो ये तो तय है कि पूरा ओबीसी पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हरियाणा का जो वोट बैंक है वो 42% का है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी भागीदारी है उसी को वो लेकर आगे चल रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महेंद्रगढ़ का ये जो इलाका चुना गया है ये वही है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार हुए तो वो एक रैली की, तो कहीं ना कहीं और बीजेपी की जो 2 सीटें अगर आप देखेंगे गुरुग्राम और जो भिवानी महेंद्रगढ़ वो भी इसके पाले में, तो एक तरह से जो एक एजेंडा है वो सेट हो गया है। और मुख्यमंत्री भी जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने तुरंत ही वही मंच से नोटिफिकेशन दिया तो ये तय कर रहा है कि पूरी तरह से तैयारी हो गई है, और हरियाणा की राजनीति ने भी अब पूरी तरह से करवट ले ली है कि वो जाट नॉन जाट से होकर अब पिछड़े वर्ग की तरफ बढ़ गई है। ओके, जाट नॉन जाट से होकर पिछड़े वर्ग की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे नरेश ने कहा कि हरियाणा में ओबीसी जो है वो करीब करीब 42% है, और ये कह रहे हैं कि अगर अहिरवाल को भी इसमें जोड़ ले तो ये करीब करीब 60 से 70% हो जाता है, एक बड़ा आंकड़ा है, तो इसलिए जो है बीजेपी ने आज ये बड़ा कार्ड खेला। लेकिन प्रतीक सोम जी, आज जो कुछ ऐलान किए गृह मंत्री ने, और जैसा नरेश जी ने बताया कि भाई इतनी तेज़ी में बीजेपी थी कि यहाँ ऐलान होते हैं यहाँ उसका नोटिफिकेशन भी जो है मुख्यमंत्री अमित शाह जी के हाथ में थमा देते हैं, यानी सब कुछ तैयारी पूरी थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं आज के तमाम फैसलों को लेकर? आज हालत ये आ गई है बीजेपी की कि 9.5 साल हरियाणा में सरकार चलाने के बाद आज अपने काम गिनवाने की बजाय जाति और पाति में हरियाणा को बांटकर वोट मांगने की कोशिश करी जा रही है। जिस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से मुख्यमंत्री होके और फिर प्रधानमंत्री बने, उस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर कास्ट पोलराइजेशन की तरफ हरियाणा को लेके जाया जा रहा है। 9.5 साल की सरकार कोई कम नहीं होती। आज जो प्रदेश की हालत है, चाहे वो किसानों के खातों में मुआवजा जाना हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर जब दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल सरकार में रहे, हांसी की जैसे मैं बात करूं कभी एक गोली नहीं चली। आज ऐसी हालत है कि हमारे ही लीडर हैं सैनी जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो प्रोटेक्टेड थे जिनको फिरौती मिल रही थी, और एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर पूरा गुंडा राज चल रहा है, हरियाणा सरकार पूरी विफल हुई है। आज ये वादा करना कि हमने जो काम 9.5 साल किए उसको आगे हम दोहराएंगे बढ़ाएंगे, आज वादा किया जा रहा है कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे, तो ये क्लियर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 9.5 साल के काम में दिखाने को कुछ भी नहीं है। जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की बात है, आपको मैं बता दूं, नवंबर 2020 में पंचायती राज मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला थे, जेजेपी के पास अपने कोटे में पंचायती राज मंत्रालय था, और उस मंत्रालय के अंदर विधानसभा के पटल पे जो 8% बैकवर्ड रिजर्वेशन बिल पंचायती राज में रखा गया वो दुष्यंत चौटाला जी ने रखा। ये होता है कि आप सही मायने में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, बैकवर्ड लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, इस उस पे नहीं कि आज चुनाव के अंदर 3 महीने बचे हैं, अभी अनाउंसमेंट करो और अभी नोटिफिकेशन लेके जाओ, यानी कि एक इंग्लिश में बोला जाता है द प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये इस बात को पूरा एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि सब्सटैंशिएट कर रहा है कि 9.5 साल के अंदर एक भी काम गिनवाने को नहीं है। राजनीति किस बात पे हो रही है, वोट किस बात पे मांगे जा रहे हैं कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है और वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे।
लेकिन जो आप कह रहे हैं प्रतीक जी, सवाल यह है कि ये आप कह रहे हैं कि हरियाणा में नई राजनीति हो रही है जात पात में बांट के, वो तो पहले भी होता था, पहले जाट वर्सेस नॉन जाट होता था, अब अगर ओबीसी वर्सेस अन्य है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक नया है, ये बात ठीक है कि जो जाति ज़्यादा इस वक्त दिख रही है बीजेपी ने उसका कार्ड खेला है, और पहले भी तो आप तमाम पार्टियां, अगर आपकी पार्टी की भी बात करूं तो भी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति खेलते थे, वो कौन सी नई बात है? जी जी, बीजेपी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है। पिछले साल उन्होंने नूह में कलश यात्रा वाला एक्सपेरिमेंट भी एक किया था, जिसको दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए कंडेम किया था कि हरियाणा में कम्युनल वायलेंस इस तरह का कभी नहीं देखा जाता। और आप आज राव इंदरजीत जी का इलेक्शन का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि नूह में कितना विनिंग मार्जिन उनका रहा है। तो ये बात बता देता है कि हरियाणा इस तरह की राजनीति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हरियाणा जब वोट करता है, हाँ आपकी बात सही है कि जाट नॉन जाट का फैक्टर आया, लेकिन ये जाट नॉन जाट का फैक्टर कब आया? आपको याद होंगे कि सैनी जी इनकी तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब पूरा हरियाणा जाट एजिटेशन की तरफ गया, और उन्होंने किस तरह की बयानबाजी करी थी। वो पहली लॉ थी जब हरियाणा ने देखा कि जाट नॉन जाट का फैक्टर आया। इसके अंदर कोई भी पार्टी, जेजेपी हो चाहे पहले इनेलो हो, ये इस बात को बढ़ावा देने वाली नहीं थी। हमेशा इस बात का ध्यान दिया गया कि डेवलपमेंट हो। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम आता है, आज बच्चा बच्चा गुरुग्राम में अशोक जी जानता है कि गुरुग्राम का नया नाम कूड़ा ग्राम है। आप पूरे अरावली रेंज में चले जाइए, बंदवाड़ी में चले जाइए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाइए, सिर्फ डीएलएफ के एक रीजन को छोड़ के हर जगह सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है। आप ये सबसे बड़ी विफलता है। ये आकर पता लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो तो है ही है, और जो पॉलिटिकल फेलियर है लास्ट के 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को बदलना और उसके ऊपर जाति का कार्ड खेलना, ये आपकी वीकनेस दिखाता है और कुछ। प्रतीक जी, 4.5 साल तक तो आप भी इसी सरकार में रहे, पूरी मलाई काटी, और अब जो है आप कह रहे हैं कि ये सर पूरा हरियाणा का ऐसी तैसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ें आपको 4.5 साल नजर नहीं आई, लेकिन अब अचानक से जो है पिछले 6 महीने आपको लग रहा है कि हरियाणा बहुत पिछड़ गया। जब तक आप सरकार में थे आपको लगता था कि भाई बड़ा हरियाणा प्रगति कर रहा है, क्योंकि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सभी पार्टियों के साथ होता है, जब तक सत्ता में रहते हैं। हाँ अशोक जी, इसका जवाब 1 मिनट में ले लीजिए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हम सरकार में थे, सरकार में हमारे पास क्या था? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था। मारुति आज एक बार अशोक जी, प्लीज गिव मी अ पेशेंट हियरिंग। मारुति खरखौदा के अंदर सबसे बड़ा प्लांट वर्ल्ड का मारुति इसके अंदर लगा रही है। फ्लिपकार्ट हरियाणा के अंदर आया, सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा के अंदर आया। पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन वुमेन को मिला। बैकवर्ड जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, 8% का रिजर्वेशन पंचायती राज के अंदर मिला। ये हमारी उपलब्धि। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो सबसे सर, मैं यही जो तो कह रहा हूं, हर स्टेट का सर, मैं यही तो कह रहा हूं, जितनी उपलब्धियां हैं हरियाणा की, तो कोई मंत्री दिक्कत नहीं लेना चाहता। दिक्कत क्या है हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया। दिक्कत क्या है कि आप कह रहे हैं हरियाणा बिल्कुल नाकारा हो गया 6 महीने में, और जितनी हरियाणा की उपलब्धियां वो अपने आप ने उठा के अपने खाते में डाल ली, और बाकी कहा जो सब कुछ कूड़ा हुआ वो बीजेपी के जिम्मे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो पॉलिटिकल पार्टियों का डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं ना, कि आप ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा में इतने अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास मंत्रालय था। मुख्यमंत्री तो कुछ होते नहीं, बाकी सरकार तो कुछ होती नहीं, आपके अकेले डिप्टी सीएम काम कर रहे थे इसलिए वहां बढ़ गया, बाकी जहां नुकसान हो गया क्योंकि बीजेपी सरकार थी इसलिए हो गया। मैं यही कह रहा हूँ, यही डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, मैं मेरे साथ जो है शाइना एनसी जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। शाइना एनसी जी, आपके जुड़ने से पहले ये आरोप लगाया, क्योंकि आज जो है ओबीसी और पिछड़ों के लिए जो है कुछ बड़े ऐलान किए, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पहुंचे थे जी। तो बाकायदा जो है प्रतीक सोम जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हरियाणा को जात पात में बांट दिया, हरियाणा में तो कभी ऐसा होता ही नहीं था, अब आप लोग वहां पे पूरी जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अशोक जी, मैं गर्व से आपके साथ ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर से जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि कांग्रेस ने सालों साल पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हाँ काफी वर्ष एक वोट बैंक की राजनीति चलाई, जहां 1980 में हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में ना सिर्फ बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि 1990 में भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी
मोदी जी के शासनकाल में आज जो अमित शाह जी ने बयान दिया हरियाणा में, ये ओबीसी वर्ग तक सीमित नहीं है, कोई भी पिछड़ा जाति हो उनको सशक्त कैसे करें, उनको शिक्षित कैसे करें, उनको आत्मनिर्भर कैसे करें, उनको कैसे देखें कि उनको मुआवजा मिले, ये सबसे जरूरी है। और भूलिएगा मत, केंद्रीय मंत्री की जब हम बात करते हैं तो 27 ऐसे मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा कार्यकाल में हमने एक चीज देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कहते हैं कि फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स, भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य रहा है कि आत्मनिर्भर करो। और ये जो आरक्षण कांग्रेस निकालना चाहती है वो मुसलमानों को कैसे फायदेमंद करें ताकि वो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलाएं। उन्होंने जो दलितों के साथ और मुसलमान के साथ किया है हम जानते हैं कि ये सिर्फ लिप सर्विस है एक वोट बैंक के लिए। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लिए ना सिर्फ उनके विरोधी हैं, उनके लिए किया कुछ नहीं। और सरकार ओबीसी आरक्षण का विरोध करते आ रही है तो मैं पूछती हूँ कि इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को कैसे इसका पूरा एक मुहिम बनाया जहां कांग्रेस ने सालों तक इनकी सिफारिशें भी लागू नहीं की, इनकी काम भी नहीं किए और इनके लिए कुछ किया भी नहीं। तो सिर्फ टोकनिज्म की विश्वास में हम नहीं चलते हैं, आते हुए दिन में हम एक प्रोग्रेसिव राजनीति चाहते हैं और खास तौर से हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए जहां पिछड़े हैं या ओबीसी वर्ग है। लेकिन शायना जी, क्या ऐसा इसलिए ये सारी जहां आ रहा दुष्यंत जी, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 के चुनावों में आप लोगों को ये जो इंडी गठबंधन की जो राजनीति थी, इन्होंने जो जिस तरह से ओबीसी और पिछड़ा कर आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने जो है ये कहा कि आरक्षण चला जाएगा और उसको सफलता मिली, क्या ये उसका एक काउंटर अटैक है या काउंटर नैरेटिव है जो आप लोग कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, विपक्ष ने क्या किया इसका हिसाब तो मांगना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ बंटवारा की राजनीति की, उन्होंने जात पात धर्म के आधार पर राजनीति की, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। दूसरे तरफ आप देखिए जो अमित शाह जी बात कर रहे हैं आज, वो है कि कैसे हम देखें कि हमारे पिछड़े वर्ग को आत्मनिर्भर करें, उनको शिक्षित करें, उनको सुरक्षित करें और उनको उनको जो वादे दिए गए हैं उसको लागू किया जाए। ये क्रीमी लेयर की सीमा जिसके बारे में आज चर्चा हुई कि 8 लाख है इस वर्ग में, हमें ये पहले देखना है कि इंदिरा गांधी जी ने मंडल के समय और 1980 में कौन से झूठे वादे दिए जो कभी निभाए ही नहीं। तो यहाँ हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी और उस अकाउंटेबिलिटी के साथ हम चाहते हैं कि प्रगति हो ओबीसी आरक्षण के निमित्त और अन्य दृष्टिकोण से भी। ओके, दुष्यंत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन एक सवाल मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ दूं। देखिए वो कह रहे हैं हम प्रतिबद्ध हैं ओबीसी को उनका राइट दिलाने के लिए, लेकिन साफ तौर पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना, ये शुरुआत तो गेम जो है इंडी गठबंधन ने शुरू किया था, आरक्षण चला जाएगा और इसका आप लोगों को इंडी गठबंधन को फायदा भी मिल सका जितना मिल सका था। अब उसका अगर काउंटर बीजेपी कर रही है तो फिर ये तो राजनीति है, उसको पूरा हक है। आरक्षण चला जाएगा ये झूठ नहीं है, ये सच है, आरक्षण जा रहा है। आज न्यायपूर्ण तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है। देखिए न्यायपूर्ण आरक्षण जब मिलेगा जब कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होने के बाद आंकड़े आएंगे और उस आंकड़े के आधार पे ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता में आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? नहीं, ये केंद्रीय कर्नाटक देखिए जी कास्ट सेंसस क्यों नहीं सर, माई ब्रदर, ये केंद्रीय स्तर पे करना होगा। बिहार में फिर क्यों करवाया था? और इसमें कानून में बिहार में किया लेकिन राज्य करवाया था सर, राज्य स्तर की जो नौकरियां हैं उसमें लागू हुआ, उसको हाईकोर्ट ने रोक दिया ना, राज्य स्तर पे तो करवाइए सर, करना चाहिए राज्य स्तर में भी, नहीं कर रही है होगा होगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बिहार में जब था उन्होंने नीतीश कुमार ने करवाया, विरोध नहीं कर पाई। अब कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस सरकार है वहां पर ओबीसी आरक्षण के लिए वो कुछ नहीं करती, होगा होगा। और केंद्र में वो कहती है कि ओबीसी आरक्षण का हम सबसे बड़ा पक्षधर हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, 70 साल देश की आजादी को हो गए, ओबीसी के हित का काम नहीं हुआ,
लालू मुलायम जी ने जो 91 में पीपी सिंह जी की सरकार में जो आरक्षण दिलाया वो 27% है, जबकि जनसंख्या 52-55% है। आज अकेला नेता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का, जो पूरे देश में ओबीसी की आवाज़ उठा रहा है। और अगर भाजपा ओबीसी को न्याय जस्टिस देना चाहती है, मैं तो स्वागत करूंगा भाजपा का, गृह मंत्री जी का, आप कास्ट सेंसस कराइए पूरा, उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दीजिए, और जो अल्पसंख्यक समाज कोई भी अगर ले रहा है ओबीसी के आरक्षण में हिस्सा, उसको अलग करिए, उनके लिए अलग से प्रावधान हो, और जो ओबीसी के आंकड़ा है उस पर पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके लिए कोई भी पहल है अगर भाजपा करे स्वागत योग्य है, और अगर भाजपा नहीं करती है तो कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम कास्ट सेंसस करेंगे, आरक्षण में अमेंडमेंट करेंगे, 50% की सीमा को तोड़ेंगे और ओबीसी को उसका हक दे देंगे, तो वो भी स्वागत योग्य है। उससे पहले अगर भाजपा कर रही है तो बहुत, मतलब हृदय से स्वागत, बहुत बढ़िया है। चलिए साइना एनसी जी, आपके आने से पहले एक बात दुष्यंत जी ने कही थी, एक तो कास्ट सेंसस की बात बार बार कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराइए, 50% की सीमा तोड़ दीजिए, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो अमित शाह ने आज कहा कि भाई मुसलमानों को आरक्षण, जो पिछड़ों का लेकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, उस पर उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कानून लाती है कि जो ओबीसी पिछड़ी जातियां हैं आप उनको अगर हटा देते हैं और सिर्फ ओबीसी हिंदू जातियों को मिलेगा, अगर ऐसा कोई भी कानून लाते हैं तो उसमें सफाया हो जाएगा। हालांकि ये दुष्यंत जी की अपनी पर्सनल राय है, एनडी गठबंधन की क्या होगी मैं नहीं जानता। वो विरोध करते हैं सदन में तो इंदी गठबंधन पहले स्पष्ट करे कि वो ओबीसी आरक्षण के विरोध हैं या पक्ष में, ये सवाल का पहले जवाब लीजिए अशोक जी। ये सवाल का जवाब लेंगे उसके बाद हम निटिग्रिटीज में जा सकते हैं। भाजपा ने तो कहा है कि कांग्रेस जिस जातिवाद और भ्रष्टाचार के रूप से उन्होंने ये आरक्षण का खेल खेला है उससे हमें ज्यादा नुकसान हुआ है, फायदा नहीं। और ये आप 1980 से देखे, 1990 से देखे, अभी तक देखे, तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा वहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अमित शाह जी ने जब कहा कि ये ना सिर्फ लोकसभा या विधानसभा का मुद्दा है, ये हमारे पार्टी पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ा है हर एक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा है, इकोनॉमिकली लोअर स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी उनके साथ भी हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनको एक सीमा तक लाएं। लेकिन कैसे? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करके नहीं, हमें देखना है कि हम कैसे आरक्षण के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर करें, क्योंकि ये है सही मोदी जी का जो विजन, जब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, इसका मतलब है जात पात धर्म के आधार पे नहीं, लेकिन हर एक वर्ग को आगे लाना। और मैं सिर्फ ये विनंती करूंगी विपक्ष से कि जब चर्चा होती है पार्लियामेंट में तो सिर्फ बवाल मत मचाइए, आपके पास भी कोई सकारात्मक सजेशंस है तो हम वो सुनने के लिए स्वीकार है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो मंडल के साथ किया और जो सालों साल कांग्रेस ने वो सिफारिशें लागू नहीं किए उसके प्रति भी आपको अकाउंटेबल रहना चाहिए। और हमारा जी 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 अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, सिर्फ मेरा ये एक वाक्य में कहना है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, और उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स वेलकम है। ओबीसी आरक्षण के जो विरोध हैं विपक्ष, तो पहले ये स्पष्टीकरण करें, क्योंकि जो वो है तो उनकी नीति नियत में खोट है, क्योंकि हमने देखा है कैसे उन्होंने 60 साल मुसलमानों को सिर्फ दबा हुआ रखा है। आरक्षण के साथ साथ आपको प्रगति भी करनी है, आपको उनको वो फायदे भी देने हैं कि वो उभर के आए, ना सिर्फ आपके वोट बैंक की दृष्टि से बरकरार रखें। ओके सुदर्शन जी आऊंगा आपके पास, प्रतीक जी आपके पास भी और नरेश जी आपके पास भी, क्योंकि सवाल यही है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है ये इस ओबीसी और जो पिछड़ा आरक्षण है उस पर जाने वाला है, और ये बीजेपी का एक कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में करीब 42% जो है पिछड़ा वर्ग है, लेकिन क्या ये कार्ड जो है बहुत देरी से नहीं खेला गया जैसा प्रतीक सोम भी कह रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी चुनाव में कुछ समय तो है, क्या बीजेपी इसका पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएगी, और क्या लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर
मुसलमान बनाम जो है पिछड़ा, ये कार्ड बीजेपी जो खेलने की कोशिश कर रही है, क्या इसमें सफल होगी? इन सब पर आऊंगा लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमिया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अगले ये चमत्कार है साथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर वन पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा का रण और आरक्षण, क्योंकि हरियाणा का रण जो है वो जल्द शुरू है, बल्कि कह सकते हैं शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों में गृहमंत्री अमित शाह 2 बार हरियाणा हुआ है और आज वो महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। महेंद्रगढ़ में OBC सम्मान रैली थी, उसमें वहां उन्होंने OBC के लिए जो है कई बड़े ऐलान किए, और हरियाणा में कुल मिलाकर देखें तो 42% से ज़्यादा वोटर जो हैं OBC हैं। और अगर BJP OBC वोटर को साधने में कामयाब रहती है तो BJP की एक जो है कह सकते हैं कि हैट्रिक जो BJP लगाने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने भी BJP पर पलटवार कर दिया, उधर JJP जो अब तक BJP के साथ थी वो भी BJP के खिलाफ जो है खम ठोक रही है, और विधानसभा चुनाव में तमाम फैक्टर होंगे। और इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी एक बार फिर बोला है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस आई तो वो OBC और पिछड़े का जो आरक्षण है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायना NC BJP से जुड़ी हुई हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ नरेश वत्स हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रतीक सोम हैं JJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। दुष्यंत नागर जी अपनी, लेकिन अब ये जो OBC वाला कार्ड है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि शुरुआत तो आपने करी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि BJP ने अब इस मामले में जो है पहल कर दी है, और हरियाणा में कम से कम जो है वो अब इसमें लग रहा है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों से दो हाथ आगे जाती दिखती है। देखिए बड़ी खुशी की बात है, इंडिया अलायंस ने मुद्दा उठाया और अगर भाजपा पूरा करती है तो देखिए ये चुनावी राजनीति से मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए अलग चीज है। आदरणीय अखिलेश जी, लालू जी, उनके सुपुत्र, उनके परिवारों ने, उनके पिताओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया है OBC आरक्षण लागू करने के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने 91 में जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तो उसका विरोध किया था। जितना कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, उतना भाजपा भी दोषी है मंडल आयोग को पूरे तरीके से लागू ना करने में, मंडल आयोग को समय पर लागू ना करने में। 1977 में इनकी सरकार, मुलायम सिंह यादव का बार बार बात करें ये भी आप भूल जाते हैं, मुलायम सिंह यादव ने VP सिंह की सरकार से समर्थन इसीलिए खींचा था क्योंकि उनको लगता था कि VP सिंह जो है वो पिछड़ों के मसीहा बन जाएंगे, और मुलायम सिंह ने इसलिए VP सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की थी उनकी कुर्सी जो है खींचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था, मुलायम सिंह ने भी वापस कर दिया था। मुलायम सिंह जी ने वो सरकार गिरने के बाद में चंद्रशेखर जी के साथ जाके जनता दल समाजवादी का गठन किया था ना VP सिंह को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि VP सिंह पिछड़ों के मसीहा दिखें। जी वो समाजवादी जनता पार्टी का जो गठन हुआ था उनकी सरकार को गिरने के बाद में वैकल्पिक सरकार बनी, उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी शामिल हुए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस करा के OBC को आरक्षण देने के लिए नया कानून बनाती है, मैं समझता हूं सब समर्थन करेंगे, पूरा देश समर्थन करेगा,
और अगर भाजपा को उसका श्रेय मिलता है तो मैं मिल जाए, अच्छा काम करने का श्रेय अगर किसी को मिलता है तो कोई गलत नहीं है। चलिए ये तो खैर देखते हैं, लेकिन नरेश वत्स, कुल मिलाकर जेजेपी और बाकी सभी पार्टियों को आज के इस फैसले से थोड़ी तकलीफ है, मतलब ये अभी प्रतीक सोमजे ने भी कहा, उसके पीछे क्या कारण आपको दिखते हैं? क्योंकि अभी इस सब का लेकर के कांग्रेस भी लगातार हमलावर होगी, और क्योंकि एक तरह का कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक का ट्रंप कार्ड अमित शाह ने खेल दिया। देखिए निश्चित रूप से ये ट्रंप कार्ड है, और देखिए अशोक जी, आरक्षण के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग के साथ जो अमित शाह जी ने कहा, जो हरियाणा की जो बात उन्होंने कही कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की बात करते हैं, कि सबसे ज़्यादा पदक लाने की बात करते हैं, किसानों की बात उन्होंने की है और जवानों की बात की है कि हरियाणवी जो है सबसे आता है, लेकिन जो राजनीति है हरियाणा की वो अब पूरी तरह से बदल गई है। जिस तरह से बीजेपी ने शुरुआत की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे पर के बाप बेटे की जो है वो पार्टी बनकर रह गई है, इस तरह के सवाल। लेकिन आपको देखना होगा पीछे, पहले हरियाणा को आया राम गया राम के रूप में जाना जाता था, फिर उसके बाद वो लाल राजनीति में। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डबवाली की सीट पर देवीलाल परिवार के चार, जिसमें बीजेपी की तरफ से आदित्य चौटाला जो है दाव लगा के टिकट के लिए उसमें दावेदार बन रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांता चौटाला हैं, अभय चौटाला की वाइफ वो हैं, और जेजेपी के जो हैं वो दिग्विजय चौटाला बन रहे हैं, और अमित सिहाग जो है केवी सिंह के जो बेटे हैं वो भी कांग्रेस की तरफ से। यानी कि हरियाणा की राजनीति में जो लाल परिवार हैं वो पूरी तरह से एक तरह बीजेपी के साथ हैं, किरण चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं, भजन लाल परिवार जो है वो इधर आ गया है, और देवीलाल के जो हैं वो आदित्य। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है, इसीलिए जो बीजेपी ने ये जो पिछड़ा वर्ग है क्योंकि उसका वोट बैंक ज्यादा है उस पर दाव खेला, और निश्चित रूप से उसका असर जो है वो देखने का होगा, उस पर चर्चा होगा। कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अब जेजेपी पिछले क्योंकि सरकार के अब वो नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ नहीं होगी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो 4.5 साल सरकार में रही है, लोग ये बात भूलेंगे भी नहीं। नहीं नहीं देख, निश्चित रूप से जो अभी जाट पॉलिटिक्स है, जाट जो है वो पूरी तरह से अब डिवाइड हो गया है। अब आप देखिए कि बसपा और इनेलो का समझौता हुआ है, जेजेपी अकेले लड़ रही है। जेजेपी को जो किसान विरोधी जो किसान आंदोलन चला है उसमें जो दुष्यंत चौटाला की छवि बनी वो कितना दूर कर पाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी जो पूरा एक किसान वर्ग है वो दुष्यंत चौटाला पर ही सवाल खड़े करता है कि उन्होंने आंदोलन में साथ नहीं दिया, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पूरी तरह से वोट बैंक है जाट, वो पूरी तरह से बटा हुआ है, और अब अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे ज्यादा आगे लीड वो लेकर जा रहे हैं, और लगातार, और आज उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है, वो भी टिकटों को लेकर क्या है कैसे होगा ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक डिवीजन भी साफ तौर पर दिखता है, हम जानते हैं कांग्रेस में अभी किरण चौधरी जिस तरह से गई, और इसके अलावा वहां पर और भी जो धड़े हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी बहुत सारे धड़े वहां पर सक्रिय हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी जो डिवीजन है जिस तरह से कांग्रेस के अंदर भी खींचतान है, इसका नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए नुकसान निश्चित रूप से, क्योंकि जो अभी कांग्रेस ने जो अपनी मीटिंग अभी की है, जो हिसाब मांगा उसमें बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रभारी है हरियाणा के दीपक बावरिया, उन्होंने साफ कहा है कि टिकटों के लिए कोई नहीं आए। देखिए कुमारी सैलजा का अपना एक कद है, आला कमान के साथ उनका है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, तो वो कैसे संतुलन साधेंगे? लेकिन अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सब पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। वो तो साफ तौर पर दिखता है, हुड्डा अभी कुमारी सैलजा पर, बाकी सब पर भारी है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि बाकी लोग हुड्डा साहब की कितनी टांग खिंचाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी। हाँ दुष्यंत जी, जल्दी से। दीपक बावरिया जी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है दिल्ली जैसा, उन्होंने मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को संगठित करके चुनाव जिताया है। सर दिल्ली भूल जाते हैं आप अभी, जी जी जी, आप दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश चले गए पिछले, लेकिन दिल्ली भूल गए जो ताजा उदाहरण है। बावरिया जी बिल्कुल ब्लॉक लेवल से आए हैं, जहां पे कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि सीधे मुंह बात नहीं करते हमसे, मैनेज कर लेंगे, बहुत अच्छा सांगठनिक उनके अंदर क्षमता है, जमीन से आए हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी दीपक बावरिया जी के निर्देशन। चलिए वो तो वक्त बताएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार की, लेकिन प्रतीक जी कुल मिलाकर जेजेपी जो है इस चुनाव में, अब जाट जो है जैसा नरेश बता रहे हैं कि जाट पूरी तरह से बटा हुआ है, बीजेपी ओबीसी वोट को संगठित करने की कोशिश कर रही है, और लाल परिवार जो है वो भी किस तरह से बटा हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो ऐसे में जेजेपी की क्या भूमिका रहने वाली है?
देखिए पहले तो अशोक जी मैं क्लैरिफाई कर लूं, जेजेपी कोई चार्ज सेंट्रिक पार्टी नहीं है। आप पिछला जो 2019 का चुनाव था उसका वोटिंग पैटर्न उठा के देखेंगे, 10 महीने पुरानी पार्टी को लगभग लगभग 16% वोट मिले थे, और हमको प्राइमरीली वोट यूथ ने और वुमेन ने दिया था, और उनके लिए हमने काम भी किया। 75% रिजर्वेशन बिल जो एक रेवोल्यूशनरी बिल था वो दुष्यंत चौटाला लेकर आए, 50% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए पंचायती राज में लेकर आनी थी वो भी हम लेकर आए, और ये दोनों हमारे मैनिफेस्टो प्रॉमिस थे। जो एक ही मिथ है कि हम जाट बेस्ड पार्टी है वो आप रिजल्ट देख लीजिए, हमारे 10 विधायकों में से 5 विधायक जो थे वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थे, और ये एक मीडिया के अंदर एक भ्रम फैलाया जाता है कि जेजेपी जाट बेस्ड पार्टी है, जो इसके अंदर सच्चाई नहीं है। अशोक जी दूसरी बात जो इसके अंदर देखने की है, आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक और बात बोली है कि मैं बनिया हूं और पाई पाई का हिसाब लेना जानता हूं। पाई पाई का हिसाब शायद आज हरियाणा 9.5 साल की खट्टर जी की जो लीडरशिप है उसका भी मांग रही है। एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, करनाल की सीट जो सबसे सेफ सीट जानी जाती है, जब 2019 के चुनाव हुए केंद्र में जो चुनाव हुए, संजय भाटिया जी जो बहुत ज्यादा बड़े पॉलिटिकल फिगर नहीं है वो भी 6.5 लाख के अंतर से करनाल की सीट जीते थे। इस बार मनोहरलाल खट्टर जी जो वहां के विधायक भी रहे, सिटिंग मुख्यमंत्री भी रहे, करनाल से वो चुनाव लड़े और 2 लाख का मार्जिन सिर्फ रहा। तो आप इसको खुद आप खुद इतना सीरियस डिबेट्स करते हैं, इतने लोगों के संपर्क में रहते हैं, आप बताइए कि ये हवा किस तरफ बह रही है। ये जो इन लोगों ने एक हवा बनाई कि हरियाणा के लोगों के कपड़ों से भी इनको बदबू आने लगी, महिलाएं अगर पूछने लगी कि हमें काम चाहिए तो ऐसी स्टेटमेंट दी गई कि अगली बार जब चंद्रयान जाएगा तो उस चंद्रयान में बिठाकर आपको भेजा जाएगा। तो ये जो अहंकार की राजनीति है उसमें हरियाणा ने जवाब दिया है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जेजेपी का क्या रोल रहेगा। देखिए ये पिछला आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इलेक्शंस का देखेंगे, ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि स्टेट का वोटिंग पैटर्न अलग होता है और सेंटर के चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। अगर आप 2019 के चुनाव उठा के देखेंगे तो 10 में से 10 सीट बीजेपी की आई थी, और उसके बाद जब 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव हुए तो बीजेपी बहुमत के अंदर नहीं आई, और जेजेपी जैसी पार्टी जब हम 10 महीने हमको चुनाव के अंदर मिले उसको आने के बाद हम 10 विधायक लेकर आए। तो जो हम लोकल लेवल को जो हम रेस करते हैं, लोकल इश्यूज को जो हम रेस करते हैं, और उन इश्यूज को सरकार में आने के बाद भी जो हमने पूरा किया वो इम्पोर्टेंट होगा। अब आपको जो हमारा एक और बोलूं, एक मिनट हाँ मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक मिनट आपको टोक रहा हूं क्योंकि आपके पूरे जो आपने वक्तव्य दिया उसमें एक विरोधाभास था। आपने एक तरफ कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अलग अलग वो होता है, दूसरी तरफ आप लोकसभा चुनाव के आधार पर ये बता रहे थे कि हवा का रुख किस तरफ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, लोकसभा चुनाव के समय जो हवा का रुख था वो बिल्कुल था, और उसमें बीजेपी को खामियाजा उठाने लेकिन आपने खुद ही अभी कहा लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हवा का रुख जो है वो राजनीति में और चुनावों में, हर चुनाव चुनाव बदलता है, राजनीति में हर पल बदलता है। बिल्कुल अशोक जी मैं उसी बात को कंप्लीट कर रहा हूं जो एक ये नरेश जी ने बोला, मैं इनकी बात से सहमत हूं, ये इनको ग्राउंड का रियलिटी पूरा पता है। जो किसान विरोधी बात हुई, जब किसान आंदोलन हुआ वो जो मुद्दा था वो सेंटर का सब्जेक्ट था और फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट था ना, वो स्टेट का सब्जेक्ट था ना, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर थी ना हम सांसद थे। सिर्फ एक लीडर था जिसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं सरकार से बाहर आ जाऊंगा अगर एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई। मैंने खुद एएनआई को यह स्टेटमेंट दिया था कि जेजेपी विल विथड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी इफ एमएसपी इज कॉम्प्रोमाइज फॉर फार्मर्स। एक लीडर था जो केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर आया कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, जबकि कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा के अंदर सांसद थे, एक कृषि मंत्री से या सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर से एक भी मीटिंग नहीं हुई कि किसानों की आवाज को उठाया जाए। हम कहते हैं आज दुष्यंत जी ने ये गांव गांव में जाके अपोलोजाइज किया है कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन क्या हमने भरसक प्रयास नहीं करे? इस प्रयास को लोग जो है वो जानते हैं, और उनको उनको यह पता है कि जितना भी प्रयास किया गया और जो स्टेटमेंट दी गई, जब तक 4.5 साल आप सरकार में थे तब तक एमएसपी भी कंटिन्यू हुआ और किसानों के अकाउंट में 48 घंटे के अंदर पेमेंट आती थी। नरेश जी पूरा ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, आप एक बार उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए
कि जेजेपी के सरकार से विड्रॉ करने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि क्या किसानों के अकाउंट के अंदर पेमेंट जा रही है या नहीं, एक आदमी के वापस आने से क्या ये फर्क आया है या नहीं आया कि जो किसानों का ध्यान रखता था 48 घंटे के अंदर अशोक जी डायरेक्ट पेमेंट जाती थी अकाउंट मतलब के आप, अंदर आप कह रहे हैं कि अब वो पेमेंट नहीं जा रही, इसका जवाब पूछ लीजिए। हाँ नरेश जी वो कह रहे हैं अब वो अब क्या पेमेंट नहीं जा रही क्योंकि अब जो है वो नहीं है सरकार में जेजेपी। अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो अपनी बात को पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन देखिए जो हरियाणा की जो राजनीति है ना वो अब पूरी तरह से बदल गई है। अभी भी जो किसानों का मुद्दा है वो एमएसपी का मुद्दा बना हुआ है, जैसा कि आप अभी खबर चल रही थी कि जो शंभू बॉर्डर है वहां से हटाने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है क्योंकि किसान कल भी फिर वहां पर अंबाला में घेराव करेंगे, यानी कि आंदोलन को धार दिया जा रहा है। जब तक एमएसपी का मुद्दा नहीं होगा बाकी जो छोटे मुद्दे हैं वो गौण रहेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा और जो है किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर जैसा मैंने शुरू में कहा गर्माने की तैयारी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दुष्यंत जी और उसके बाद मैं शायना जी आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH सर आपका KYC अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन OTP पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम हरियाणा के रण पर बात कर रहे हैं, हरियाणा का रण और आरक्षण, क्योंकि OBC आरक्षण को लेकर एक बड़ा दाव आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेला। आज वो 15 दिन में दूसरी बार हरियाणा पहुंचे थे और अक्टूबर के आसपास हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 10 साल से वहाँ BJP की सरकार है, लेकिन अब BJP नए तरीके से नए पूरे के पूरे एक कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा लगता है कि ये हैट्रिक मारने के लिए एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी कर रही है और नज़र सीधा सीधा OBC वोट पर है। और हरियाणा में 42% से ज़्यादा OBC वोट हैं और अहिरवार को भी जोड़ लें तो ये संख्या जो है 65-70% तक चली जाती है। ऐसे में हरियाणा की राजनीति अब किस तरफ आगे बढ़ेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा हम नहीं जानते। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी दुष्यंत जी आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना। जी जी ने जिस तरह से आरोप लगाया हुड्डा जी के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं कि हुड्डा जी ने पंजाब से राहुल गांधी जी के साथ जो यात्रा निकली किसान यात्रा और संसद तक गई, वो उसमें लगातार उन्होंने हिस्सा लिया। हरियाणा से वो होके निकली, लगातार सवाल उठाते रहे संसद के अंदर, संसद के बाहर बड़ी रैली दिल्ली के अंदर की। तो हुड्डा जी के योगदान को किसानों के लिए कोई भुला नहीं सकता। और आपने आपकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो आपको मैंडेट मिला था वो भाजपा के विरोध में मिला था, लेकिन आपने सत्ता के लिए समझौता किया भाजपा के साथ, 4.5 साल सत्ता का दोहन किया। आज जनता कांग्रेस के साथ आना चाहती है, कांग्रेस को पावर में लाना चाहती है, इसीलिए ये सारी योजनाएं सारी नैरेटिव एक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके शायना जी कुल मिलाकर लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो OBC वोट पर ही लड़ा जाएगा, आज के कम से कम उससे ऐसा ही लगता है। और जब इसमें OBC वर्सेस मुस्लिम आरक्षण का भी कार्ड जो है खेला गया एक बार फिर से। देखिए अशोक जी आपने बिल्कुल सही कहा कि 42% OBC वोट है हरियाणा में,
लेकिन आप हरियाणा में चार फैक्टर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये चार फैक्टर्स ही तय करेंगे हार और जीत। एक है किसान, एक है महिला, एक है युवा और एक है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी चारों केसेस में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी जी ने अपने नेतृत्व के निमित्त आपने देखा है कि किसानों को क्या मुआवजा मिले हैं, कैसे 6,000 मिले हैं डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, कैसे एमएसपी के ऊपर ना सिर्फ चर्चा हुई है लेकिन सक्रिय रूप से सरकार ने एक निर्णय लिया। नायाब सैनिक स्वयं एक कृषि क्षेत्र से आते हैं। महिलाओं की बात करें तो गर्व से कहते हैं, जिस कोई वक्ता ने अभी जिक्र किया कि महिला के ऊपर टिप्पणी की गई, मैं कहना चाहती हूँ गर्व होता है जब इतने सारे स्पोर्ट्स स्टार्स आते हैं हरियाणा से, इतने सारे सक्षम महिला जिन्होंने एज वी से दे हैव ब्रोकन द आइस सीलिंग एंड दे हैव रियली शोड देयर मेटल। और वो महिला जानती है कि आज जब गैस सिलेंडर मिलता है या शौचालय मिलता है या प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त घर मिलता है या उज्ज्वला मिलता है या मुद्रा से बैंकिंग लोन मिलता है, ये सभी स्कीम्स महिलाओं के हित में हैं। और रही बात आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें तो गर्व से कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में जब 25 करोड़ लोग गरीबी की इस रेखा के ऊपर उभर के आते हैं तो वो मोदी जी का काम, नीति, नियत सभी जानते हैं। तो मैं मानती हूँ कि युवा वर्ग जो आज एक थ्रेशोल्ड पे है, जो शायद सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करना है हरियाणा में, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं जिन्होंने कर दिखाया है, तो मैं मानती हूँ कि काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जीत के आएगी हरियाणा में। चलिए ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा और किसके पक्ष में बाजी जाएगी। समय इतना ही है, माफी चाहूंगा प्रतीक जी, लेकिन आज कुल मिलाकर मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि हरियाणा का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। छोटा राज्य है लेकिन दिल्ली से सटा है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, किसानों का मुद्दा वहां पर जो बनाने की कोशिश है, ऐसे में आज बीजेपी ने जो दाव खेला है वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बड़ी खबर बता दूं, कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को एक बार फिर झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल को लेकर ममता बनर्जी जो टिप्पणी करें वो सम्मान का ध्यान रखें और सोच समझ कर टिप्पणी करें। ये अपने आप में बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन दो टुक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।